जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल दोस्तों की, इसकी जो फाइनल रिजल्ट है 2022 में जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया गया था। और फाइनल दोस्तों इसकी बात करें तो जो 14 मार्च को इसकी आंसर की रिलीज की गई थी टीयर टू के लिए। और दोस्तों आप कैंडिडेट्स को इंतजार है कि इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जिसमें दोस्तों आपको पता चलेगा उसमें कि आपका जो है कौन सी पोस्ट मिली है और कट ऑफ कितनी गई है, उसकी जो रिजल्ट जो है सो कब आएगा, इस वीडियो में हम सारा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और दोस्तों बात करें जितने भी कैंडिडेट 2023 की भर्ती का दोस्तों इंतजार कर रहे थे, तो बहुत जल्द ही दोस्तों इसका भी नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है दोस्तों 1 अप्रैल दोस्तों, जैसा कि कैलेंडर में आपको बताया गया है कि 1 अप्रैल को इसकी जो सो नोटिफिकेशन को रिलीज किया जाएगा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 की। तो दोस्तों जो भी इंतजार कर रहे थे उसके लिए तो बहुत ही खुशखबरी है कि दोस्तों आपका वैकेंसी फिर से रिलीज होने वाली है 2023 में। दोस्तों सारा इन्फॉर्मेशन बताने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी हमारी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं, सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसकी कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। जितने भी कैंडिडेट दोस्तों टीयर टू की एग्जाम दिए हुए, आपको पता ही होगा जो 2022 दोस्तों जो पैटर्न चेंज हुआ था, सो टीयर टू की बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर दोस्तों आपका टीयर टू में अच्छे मार्क्स हैं तो दोस्तों आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले बात करें दोस्तों जिसकी भी 260+, जी हाँ दोस्तों 260+ है, उसका दोस्तों चांसेस हैं कि उसको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों 260 जो जिसकी भी मार्क्स है उसको दोस्तों बात करें, उसके 99% चांसेस हैं कि दोस्तों उसको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन 280+ वाले कैंडिडेट का दोस्तों 280+ वाले कैंडिडेट का दोस्तों 100% चांस है कि उसका दोस्तों कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिसका मार्क्स दोस्तों 300+ हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों 300+ मार्क्स आ चुकी हैं, तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि इसकी कट ऑफ दोस्तों थोड़ा सा बढ़ सकती है, क्योंकि दोस्तों मार्क्स ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट ने दोस्तों 300+ कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों आप भी घबराइएगा नहीं, 260+ भी आपका मार्क्स है, तो दोस्तों आप घबराइएगा नहीं, फाइनल रिजल्ट आने तक आप वेट कीजिए, आपका भी दोस्तों पता चल जाएगा आखिरकार कट ऑफ कितना गया है। अब दोस्तों मेन आ जाती है कि इसकी जो फाइनल रिजल्ट है सो कब आएगा। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि 1 अप्रैल से दोस्तों न्यू नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा 2023 के लिए, 2023 की भर्ती के लिए। तो दोस्तों हम ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि दोस्तों उस नया नोटिफिकेशन रिलीज होने से पहले ही दोस्तों इसकी फाइनल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा ज़रूरी भी ये नहीं है कि नोटिफिकेशन रिलीज होने से पहले ही दोस्तों 2022 की भर्ती आई थी उसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन दोस्तों बाद में भी हो सकती है। दोस्तों हम ऐसा उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि 1 से लेकर 15 अप्रैल के बीच में दोस्तों कभी भी इसकी फाइनल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जा सकता है। और दोस्तों जितने भी कैंडिडेट न्यू जो रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए भी खुशखबरी है, इसमें भी दोस्तों 10,000+ दोस्तों इसमें भी पोस्ट रहने वाली, यानी कि वैकेंसी रहने वाली है सीजीएल में। दोस्तों जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा।